भैया YouTube पर पहली बार आपके लिए लेकर आ गए यार एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो जिसमें एक तो है सबसे सस्ती टूरिंग बजट बाइक यानी कि हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 200, वहीं एक है हाल ही में लॉन्च हुई गोरिल्ला 450। तो दोनों का कंपैरिजन इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों ही भारतीय कंपनियों की गाड़ी है और एक सबसे लो बजट गाड़ी है और एक उससे 1 लाख रुपये ऊपर की गाड़ी है। तो भैया दोनों में 1 लाख में क्या फ़र्क होने वाला है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देख लेते हैं। तो भैया दोनों का कंपैरिजन हम आपको करके बता रहे हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है यार। और ये एक ऐसा कंपैरिजन है यार कि इतनी ज़्यादा हैवी बाइक में भी और इतनी लो बजट बाइक में भी कुछ कंपैरिजन ऐसे, मतलब कुछ डिफरेंसेस ऐसे निकल के सामने आ जाते हैं यार जो दोनों ही बाइक्स में यार बहुत मेजर होने वाले हैं। सबसे पहले तो फ्रंट के लुक से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो जब सबसे पहले आप गोरिल्ला का देखें तो यहाँ पर देखो जो इसका फ्रंट का लुक होने वाला है, यहाँ पर आपको LED में हेडलाइट देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और देखने पर काफ़ी बढ़िया लुक्स नज़र आएगा। वहीं अगर आप एक्सपल्स 200 का देखेंगे तो यहाँ पर भी LED लाइट्स हैं, LED हेडलाइट्स हैं, DRLs हैं, सेटअप काफ़ी बढ़िया है। और ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं यहाँ पर मिलता है आपको 37mm का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक में। इसका ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा टूरिंग के सेगमेंट के हिसाब से बनाई है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 270mm की डिस्क प्लेट, सिंगल चैनल ABS, और यहाँ पर आपको मिलता है 180 और 17 इंची का फ्रंट में आपको अलॉय व्हील वाला टायर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम गोरिल्ला की बात कर लें तो गोरिल्ला में देखो यहाँ पर जो सस्पेंशन, यहाँ पर भी आपको टेलीस्कोपिक वाला सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा, 42mm का यहाँ पर होने वाला है। कवर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। साथ में फ्रंट के टायर की बात कर लें अगर हम तो 120/70/17 वहाँ पर मिलता है, 100/70/17 का टायर होने वाला है। साथ में एक बार दोनों के ही ग्राउंड क्लीयरेंस और सीट हाइट की बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम गोरिल्ला की सीट हाइट की बात करते हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मिलता है 170mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, यहाँ पर मिलती है 780mm की सीट हाइट, और यहाँ पर भी सेम लगभग 780 ही mm की सीट हाइट देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि दोनों की जो सीट हाइट है वो लगभग सेम होने वाली है। लुक्स आप देख सकते हैं दोनों ही टूरिंग बाइक का देखने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। साथ में एक बार कूलिंग सिस्टम और इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जब आप गोरिल्ला की बात करेंगे तो यहाँ पर एक 450cc का 6 ट्रांसमिशन वाला इंजन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको 40 BHP की पावर और 40 Nm का गाड़ी में आपको टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है, यहाँ पर आपको एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर से प्राइम इंजन लगा है जो काफ़ी पावरफुल होने वाला है। गोरिल्ला 450 के यहाँ पर बेचेंगे। साथ में एक्सपल्स में क्या ज़्यादा है तो देखो यहाँ पर आपको मिलता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक, और यहाँ पर अगर एक्सपल्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी कि 2 लीटर के फ्यूल टैंक में फ़र्क होने वाला है। साथ में ऐसा नहीं है यहाँ पर जो इंजन है वो पावरफुल ना हो, यहाँ पर भी आपको 20 BHP की पावर और 20 Nm का टॉर्क देखने के लिए आपको इसमें मिल जाएगा। ये होता है 5 ट्रांसमिशन वाला, और वहाँ पर है 6 ट्रांसमिशन, यहाँ पर आपको ऑयल कूलर देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सपल्स 4 वेव की बैचिंग होने वाली है, और जो इसकी सीट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, आरामदायक होने वाली है, लंबी सीट है थोड़ी सी, और वहाँ पर थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा होने वाली है सीट। तो ये चीज़ है, कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है यार क्योंकि जो दोनों ही बाइक्स हैं, एक जो है हीरो की यानी कि दोनों ही जो भारत की कंपनी है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होने वाली है साथियों यार यहाँ पर जो है सबसे सस्ती टूरिंग बाइक, और वहाँ पर है 2,80,000, यानी कि 1 लाख का करीब सीधा सीधा फ़र्क होने वाला है। यहाँ पर जो बाइक है इसकी प्राइस 1,60,000 और वहाँ पर होने वाली है 2,60,000 से 2,70,000 के करीब, यानी कि सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस। तो 1 लाख का डिफरेंस कहाँ कहाँ पर है वो चीज़ें हम आपको दिखाते जाते हैं। मीटर बता देते हैं आपको दोनों ही गाड़ियों का, तो जब आप इसका देखेंगे मीटर तो यहाँ पर देखो जो हैंडलिंग है, कंट्रोलिंग बढ़िया है, हैंडलिंग अच्छी होने वाली है। साथ में यहाँ पर देखो आपको डिजिटली और एनालॉगिक मीटर देखने के लिए, डिजिटली मीटर गोरिल्ला यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और ये 9,000 RPM तक होने वाला है। यहाँ पर आपको हैजर्ड लाइट भी मिल जाएगी, यहाँ से आप मोड्स की बटन से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, टर्न ऑन इंडिकेटर कर सकते हैं। यहाँ पर एनालॉग की मदद से आप इसके मीटर के फंक्शंस को एडजस्ट कर पाएंगे, यानी कि फंक्शंस काफ़ी सारे हैं, E20 को सपोर्ट करती है। साथ में यहाँ पर अगर हम इसका मीटर देखते हैं तो भैया देखो इसमें भी आपको एक डिजिटली मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। धूप में ये भी अच्छा खासा विजिबल होता है, टॉप स्पीड में फ़र्क हो जाता है। कितना फ़र्क हो जाता है देखो, ये वाली जो गाड़ी है ये एक थोड़ी सी टूरिंग पर्पज़ से बनाई है, इसलिए जो इसकी टॉप स्पीड है वो 110 तक चली जाती है, और वहाँ पर चली जाती है भैया 135 के ऊपर, तो वो फ़र्क है। यहाँ पर देखो टर्न ऑन इंडिकेटर, यहाँ पर स्टार्ट का के स्विच है, और साथ में यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह, और यहाँ पर मिलता है
11,000 RPM तक। तो एक तो ये भी फ़र्क हो गया, साथ में रियर का दिखा दें हम आपको, तो दोनों का ही रियर का जब आप लुक देखेंगे गाड़ियों का, तो देखो यहाँ पर आपको जो टेल लाइट है वो LED में देखने के लिए मिल जाएगी। LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। जो पीछे का लुक्स है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया है। हीरो की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है। इनफील्ड में आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर आपको टेल लाइट तो उस तरीके की देखने के लिए नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो ग्रैब रेल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल ग्रैब रेल है, यहाँ पर अलग अलग ग्रैब रेल लगी हैं। साथ में अगर हम टायर की बात कर लें तो यहाँ पर जो टायर है वो मिलता है आपको 130/70 और 17 इंची का टायर। यहाँ पर आपको डिस्प्लेट तो है लेकिन यहाँ पर ड्यूल चैनल ABS नहीं है। इस पॉकेट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है। साथ में एग्जॉस्टर सिंगल होने वाला है। और यहाँ पर आपको मिलता है 10-way एडजस्टेबल सस्पेंशन, क्योंकि थोड़ी सी ऑफ रोड के हिसाब से बनाई है इसलिए यहाँ पर किक स्टार्ट भी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर हम इसकी बात कर लें गोरिल्ला की, तो यहाँ पर आपको किक स्टार्ट देखने के लिए नहीं मिलेगी, गोरिल्ला की बैचिंग है। और ये जो सस्पेंशन है ये उससे हैवी होने वाला है, हालाँकि ये 10-way एडजस्टेबल है। और जो रॉयल इनफील्ड की एक और खास चीज़ है वो है भैया 160/60 और यहाँ पर आपको 17 इंची का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। डबल चैनल ABS होने वाला है, साथ में सीट आरामदायक होने वाली है। और यहाँ पर देखो जो ओवरऑल लुक्स है दोनों ही गाड़ियों का वो अपने आप में देखते ही बनता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक्स में दोनों ही गाड़ियाँ आने वाली हैं। खैर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि भैया आपको यार एक कम बजट की गाड़ी चाहिए, यानी कि आपको चाहिए 1,60,000 रुपये वाली गाड़ी या फिर आपको चाहिए 2,60,000 रुपये वाली गाड़ी। यानी कि यार 1,00,000 में देखो कितनी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर चाहे हम टायर साइज़ की बात कर लें, मीटर के फंक्शंस की बात कर लें। और अच्छा एक और चीज़, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि टूरिंग बाइक है तो देखो यहाँ पर आपकी सीट जो है वो आरामदायक नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। टूरिंग बाइक है तो देखो एक ब्लस्त से ज़्यादा की आपकी सीट हाइट है, सीट जो है वो है चौड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लस्त से ऊपर की, और पिलियन की तो और भी ज़्यादा चौड़ी। और वहीं अगर हम रॉयल इनफील्ड की सीट की बात कर लें तो देखो यहाँ पर भी एक ब्लस्त आ रहा है, फुल देखो एक ब्लस्त है पूरा पूरा। तो ये चीज़ है थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब एक ब्लस से अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर 2-1 इंची का ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि भैया देखो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको फंक्शन ज़्यादा चाहिए या फिर आपको रॉयल इनफील्ड की गाड़ी चाहिए। दोनों ही गाड़ी हैं यार भारतीय कंपनी की हैं, तो भरोसा तो आप दोनों ही गाड़ियों पर आंखें बंद करके कर सकते हैं। खैर आपका क्या कहना है गाड़ी को लेकर और वीडियो को लेकर कमेंट में बताना बिल्कुल ही मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।